अब आते हैं सर, मुझे जहाँ तक लगता है इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट द जीएस। मतलब मेंस में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का जीएस में रुकता है, जीएस की वजह से रुकता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बाकी तीनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए लगाते हैं। आप क्या कहते हैं जीएस के लिए क्या होना चाहिए? जीएस के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सीरियस नहीं रहते हैं फर्स्ट थिंग जी, ठीक है। वो स्टार्ट कब करते हैं? जब प्री में हो जाता है देन मेंस में। ये गलती मैंने भी फर्स्ट टाइम करी थी, तो ये आपको रिपीट नहीं करनी है। आप जैसे ही प्री दे रहे हैं आपको मेंस उसी के साथ साथ ही अपनी जीएस भी रीड करनी है। समय का इंतजार नहीं करना है। यू डोंट नीड टू वेट फॉर ए रिजल्ट। आपको लगता है, आपको पता है कि आपका होगा, आपको तभी से स्टार्ट कर देना है जीएस के लिए फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। सो आपके दो काम होते हैं न्यूज़पेपर से, एक तो योर इंग्लिश विल इम्प्रूव एंड सेकंड थिंग योर जनरल अवेयरनेस विल इम्प्रूव। तो आपका ऑलमोस्ट 20-25-30% काम आपका उसका हो गया न्यूज़पेपर का। अब नाउ यू हैव टू रिकॉल ऑल दिस थिंग। सो उसके लिए आप मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जीएस का एग्ज़ाम जो है आपका, आप एक सोर्स पे रिलाई नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाई होना पड़ेगा। सो मंथली जो भी मैगजीन्स आती हैं आप एक तो वो ले लीजिए, एंड वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसे समथिंग कुछ जी के टर्न ऑर्डर समथिंग कुछ उसका ग्रेड अप का एंड इनके जितने ये साइट्स हैं इनके आते हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली वो सब भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये दो थिंग होगी आपकी डायनेमिक पार्ट की। अब मैं आता हूँ स्टैटिक पार्ट पे, स्टैटिक पार्ट आपको कैसे करना है। तो ऐसा सबको पता होगा कि उसमें आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, करेंसी, कैपिटल एंड डेज एंड डेट, ये सब आते हैं। सो मेरा क्या स्ट्रेटजी रहती है ये सब करने के लिए, मैंने ऐसे बनाया था कि जैसे लाइक आपका जून मंथ का कि लाइक 5th of June को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, तो उस दिन एनवायरनमेंट ऐसा होता है और हम खुश होते हैं लाइक दिस, ऐसा करके मैंने एक पूरा उसका जून मंथ का रिकॉल कर पाए। हाँ, रिकॉल कर पाए, रिलेट कर पाए चीज़ों से ना। लाइक मैंने एक नोट कर लिया, तो एग्जाम से पहले मैं वो स्टोरी पढ़ लेता हूँ और वो जाके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कर लेता हूँ। आफ्टर दैट आपका ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपकी हो गई करेंसी का, करेंसी के लिए भी मैंने सेम एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी अपनाई है। एंड लास्ट ये आपका हो गया ये थर्मल पावर प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, इनके लिए भी मैंने यही सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। बेसिकली मेकिंग योर ओन एक्रोनिम्स विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जामिनेशंस। तो ये जीएस की बात रही सर, ये प्री और मेंस सर ने लगभग टॉपिक्स वही रहते हैं। हाँ। थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है मेंस में। हाँ, ये तो रही सब्जेक्ट की बात, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की बात। सर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है टाइम मैनेजमेंट के लिए? सभी कहते हैं मॉक्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? सभी कहते हैं मॉक्स, हमारा भी यही है कि मॉक्स बेसिकली मॉक के बिना आप नहीं लगा पाएंगे एग्जाम, बिकॉज मॉक ऐसा चीज़ होती है, मॉक टेस्ट पेपर लाइक आपका वो जो रियल सिनेरियो है जो आप एग्ज़ाम में फेस करने जा रहे हैं वो आपका वर्चुअली आपको मिल रहा है, बट आपको उतने ही सीरियस होके वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, द थिंग इज़ दैट। और मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे मेरा एग्ज़ाम सपोज मॉर्निंग में 9 AM है या डे में 2 PM है, तो मैं सेम एग्ज़ाम सेम टाइम पीरियड में देता था, बिकॉज एक मेरा जो माइंडसेट है वो सेट हो जाता था कि बिकॉज इस टाइम मेरा जो एग्ज़ाम है वो 9 AM को है, तो मैं अगर उस समय मेरा ब्रेन अगर फंक्शनिंग करेगा और वो रेगुलर बेसिस पे, लाइक आप टेनिस खेल रहे हैं, आपका अगर मॉर्निंग में मैच है आप मॉर्निंग में ही टेनिस खेल रहे हैं, तो आपका मास्टरी हासिल होगी उस चीज़ में। अगर आपका इवनिंग में आप इवनिंग में खेलेंगे तो आपका यू नो यूज्ड टू हो जाएंगे उस चीज़ के। सो आपको भी सेम टाइम पे करना चाहिए, लाइक आपका अगर 9 AM पे है तो 9 AM, 2 PM पे तो 2 PM, सेम और डेडिकेटेडली, फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी ये चीज़, बिकॉज मॉक इज़ द मॉक तो इम्पॉर्टेंट है, बट एक मॉक का जो एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों चीज़ें सेम डे में करनी है। लाइक इफ यू आर स्कोरिंग गुड और यू आर नॉट स्कोरिंग गुड, एनालिसिस दोनों टाइप, एनालिसिस दोनों टाइप का होगा, दोनों में होगा। वो बेसिकली सर ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की एंड दिस इज अगेन समथिंग वेरी न्यू टू हियर। तो ये रही आकाश सर की सारी स्ट्रेटजीज जो उन्होंने अपनाई, और सर इतनी बड़ी लिस्ट, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, बट किसी के लिए केक वॉक, आपके लिए ऑफकोर्स केक वॉक नहीं रहा होगा, इतना आसान नहीं रहा होगा कि बैक टू बैक इतने सारे एग्जामिनेशंस, ऊपर से आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, उसको मैनेज करना। सर ऐसा हुआ होगा लाइफ में जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे, जब आप बहुत कभी डीमोरलाइज हुए होंगे, जब बहुत लो फील किया होगा, बहुत नेगेटिव फील किया होगा, ऐसे कोई फेज ऐसा कोई आपकी लाइफ में रहा होगा ऐसे, और उससे ओवरकम ऑफकोर्स कैसे किया? ओके ओके, ऐसे देखिए जैसे आपने बोला इट्स नॉट अ केक वॉक कि आप एक स्टार्ट किया आपने एंड आप फेल हुए, सक्सेस हुए, फेल हुए, इतना स्ट्रेट लाइन नहीं आती। लाइक आपका आप फेलियर देखते हैं, फिर आप फेलियर देखते हैं, फिर आप अगेन और फेलियर देखते हैं, फिर जाके एक छोटी सी सक्सेस दिखती है आपको, जो मुझे मिली
बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लरिकल में फर्स्ट। सो आप सोच सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्लरिकल होना मतलब फर्स्ट जॉब मिलना तो आपको इतना आसान नहीं रहता, बट उसी पॉइंट पे मैंने ये डिसाइड किया कि नो आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब। सो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को ये जॉब नहीं करनी। अगेन ये डिसीजन बहुत टफ था बिकॉज अकेले में मैंने ज्वाइन कर लिया था जी, बट सोलली आप अगर डिसीजन ले पाएँ तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो आपके जो नियर वन डियर वन क्लोज वन है उनसे आपको सजेशन लेना पड़ेगा जी। सो वैसे ही मैंने पंकज सर से कांटेक्ट किया कि सर एक्चुअली मैं व्हाट शुड आई डू, बट पंकज सर को कॉन्फिडेंट था मेरे पे। पंकज सर ने कहा कि नहीं यू शुड गिव रेजिग्नेशन नो प्रॉब्लम दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। उन्होंने मुझे बोला, मेरे को हेल्प करी और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, सबको मैंने कॉल किया तो आई लेफ्ट दैट जॉब। मीन्स वन और टू डेज में टू और थ्री डेज आई हैव वर्क और आफ्टर दैट आई हैव रिजाइन। एंड आफ्टर दैट एस बी आई की मैं बात करूँ तो एस बी आई में जैसे आपको मैंने बताया कि 2 लाख रुपये का बॉन्ड था एंड डिसीजन टफ था, बट मुझे करियर माइंड मास्टरी टॉक विद पंकज सर से काफ़ी हेल्प मिली। उन्होंने मुझे अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे एक्सेल करने के लिए लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट दी। एंड जब जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ, लाइक आपका मुझे रेजिग्नेशन देना था BOB में, मुझे रेजिग्नेशन देना था SBI में, या जब भी मेरे को अपने प्रिपरेशन के टाइम में अप्स एंड डाउन्स मिले, तो मुझे हर पॉइंट पे पंकज सर ने काफ़ी मोटिवेट किया अपनी जो टॉक्स हैं उनसे जी। बिल्कुल सही कहा सर ने। पहली बार इतने सर ने बोला कि 2-3 साल स्ट्रगल करो, 2 साल स्ट्रगल करो, उसके बाद आपको पहली नौकरी मिलती है और किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप उसको छोड़ना चाहते हैं, वो डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। उसके बाद उन्होंने पहला डिसीजन जो लिया बहुत बेहतर, करियर माइंड मास्टरी टॉक आपने बताया उसकी वजह से ले पाए, और शायद इसी वजह से वही एक डिसीजन ने आपको हेल्प किया, मजबूत किया, और शायद फिर आप SBI PO जैसी रेपुटेटेड जॉब को भी सेकंड टाइम में वही डिसीजन कर पाए उसको। तो बेसिकली आप क्या सोचते हैं, कौन से वो मेजर पॉइंट्स थे जहाँ पे आपके जीवन में जो बदलाव लगा कि भाई करियर माइंड मास्टरी टॉक ने मुझे इस चीज़ से मुझे कम्प्लीटली मतलब गेम चेंजर साबित हुआ आपकी जर्नी में? इस टॉक से जो मुझे बेनिफिट मिला है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो मुझे मिली है। बिकॉज आप ऐसे ही कोई जॉब छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज जॉब ज्वाइन करना एंड जॉब रिजाइन करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप कोई जॉब लेफ्ट करते हैं उसके लिए आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है, उसके लिए आपको कई सारे लोगों से कंसल्ट करेंगे, आपके फैमिली वाले आपको अपोज करेंगे, बिकॉज यू नो आज की डेट में अगर कोई जॉब छोड़ना है गवर्नमेंट वो भी तो अपोज आता है। बट उस समय आपको स्ट्रांग रहना, उस समय आपको मोटिवेट रहना, उस समय आपको क्रिस्टल क्लियर व्यू रखना अपने फ्यूचर के लिए, वो सब मैं जो अचीव कर पाया हूँ वो पंकज सर के साथ रह के एंड पंकज सर के जो टॉक्स हैं उनसे रह पाया हूँ। बिकॉज हम रेगुलर टच में थे, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पंकज सर को कॉल करता था, सर की ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ये डिफिकल्टी, बिकॉज इट इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रैंडम पर्सन कर सकता है, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें हैं कि आपको अंदर से रियलाइज़ होना चाहिए कि लाइक या आई कैन डू बेटर, आई कैन मेड फॉर दिस थिंग एंड आई विल अचीव मोर थिंग लाइक दैट। सो दैट्स वाई पंकज सर एंड दिस माइंड मास्टरी टॉक विद पंकज सर इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। ये तो नहीं सर पूरी स्ट्रैटेजी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, लेकिन जो अंतिम पड़ाव होता है बैंकिंग परीक्षा का वो है इंटरव्यू। सो वो आपको क्या लगता था कि इंटरव्यू में आप जब आप प्रिपेयर कर रहे थे जब आपके इंटरव्यू आया तो आपने क्या सोचा कि कहाँ मुझ में कमियाँ हैं और कैसे आपने ये दूर किया, प्लस आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट को इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? इंटरव्यू के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी एस्पिरेंट के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मींस आपकी पर्सनैलिटी ओवर द टाइम बनती है। आप ये सोचें कि आज आप ऐसे हैं और कल आप इंटरव्यू में बैठ के पूरे अपोजिट पर्सन बन जाए, नहीं बन पाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट फेक इट, है ना। इंटरव्यूज व्हाट यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है। सो हमारा क्या था, मतलब जब हमारा SBI का इंटरव्यू था तो यहाँ स्टडी पॉइंट में हम 4 या 5 एस्पिरेंट थे जिनका क्लियर था एग्जाम, तो हमारा यहाँ पे एक क्लोज कम्युनिटी बन गई थी। सो ऑन डेली बेसिस हम यहाँ पे अपने GD GI एंड पर्सनल इंटरव्यू कर लेते थे। सो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, बिकॉज आपको मॉक इंटरव्यू बहुत कम देने को मिलते हैं, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सीनियर फैकल्टी लाइक पंकज सर। एंड दैट टू आपके जो 4-5 फ्रेंड्स थे वो सब भी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज GD एंड GI ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको क्लोज कम्युनिटी में करने होते हैं एंड उनका मॉडरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉडरेट करना उसको वो भी एक अपने आप में बहुत TDS टास्क है मैं बोलूँगा। सो ये सब हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है पंकज सर ने। सो
उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिली इंटरव्यूअर में। एंड अदर थिंग जो इंटरव्यू की मैं बोलना चाहूँगा कि बी योर सेल्फ फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग आपको जो मैं ये फेज बता रहा था कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपको अपनी बुक्स पढ़नी है, तो एक्चुअली में ये सब आप चीज़ की इंटरव्यू में काम आएंगी। आप जब बोलेंगे ना, मैंने आपको बोलता है कि हैबिट आपको कल्टिवेट करनी है जी, सो ये सब आपको काम आएगी इंटरव्यू में। बिकॉज इंटरव्यूअर क्या चाहता है, वो भी एक मोनोलॉग नहीं चाहता, वो चाहता है डायलॉग हो कि भाई दो वे कम्युनिकेशन हो, लाइक आपका वो आपसे क्वेश्चन करे, आप आंसर दें, आपको ऐसे कन्वर्सेशन रखनी है, वो भी हेल्दी कन्वर्सेशन और एजुकेटिव कन्वर्सेशन, दैट्स इट। मैंने एक्चुअली में 4-5 इंटरव्यूज दिए हैं तो मुझे किसी में ऐसे प्रॉब्लम हुई नहीं, बिकॉज इंटरव्यूअर भी वो आपके लिए जस्ट बैठे हैं आपकी जानने के लिए कि आप क्या करते हैं, वो आपको ऐसे नहीं बैठे हैं कि आपको टॉन्ट मारेंगे, आपको जज करने वाले है ना, तो वो चीज़ है। बाकी इंटरव्यू के लिए तो ऐसा सच कुछ गाइडेंस है नहीं, बट बी योर सेल्फ एंड बी एजुकेटेड, बी इन्फॉर्मेटिव। आपसे वो भी कुछ भी पूछा, आपको नहीं आता, पोलाइटली यू कैन से नो, बिकॉज नो बोलना आपको हर चीज़ अंदर से आना बहुत इम्पॉसिबल है। मेरे से भी कई बार पूछा उन्होंने आपको आता है, मैंने भी पोलाइटली बोल दिया नो सर आई डोंट नो, बिकॉज लोग सोचते हैं एंड स्टिल यू गेट सिलेक्टेड। हाँ, स्टिल आई गेट सिलेक्टेड। बेसिकली लोगों के दिमाग मिथ है कि नहीं नहीं बोलते, मैं ये मिथ दूर करना चाहता हूँ, नहीं बोलते हैं, आपको नहीं आता सच बोलते हैं, आपको नहीं आता तो आप बोलिए कि सर पोलाइटली आई कैन नॉट नो अबाउट दिस, काइंडली एनलाइटन मी, आप मुझे नहीं आता आप मुझे बताइए, आप मुझे सिखाइए, बजाय उसके उनके सामने चुप रहने के एक या दो मिनट आप पोलाइटली ना कह दीजिए। तो बेसिकली जब बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस, सबका पर्सपेक्टिव आपको जानने को मिलता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने ग्रुप में खड़े होकर बोलने का, और यही चीज़ें आपको वहाँ पे जाके काम आती हैं। तो बेसिकली मैं इनसे पर्सनली बहुत प्रभावित रहती हूँ और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। आज मैंने एज अ फैकल्टी इनके साथ रहते हुए मैंने उतना नहीं सीखा था जितना आज मैं इनसे सीख पाई हूँ, मुझे लगता है, आशा करती हूँ आप सबने भी बहुत सीखा होगा इनसे। और सर ने जैसा कहा, मेहनत करिए, लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, खुद से ईमानदार रहिए, तो जीवन में सब कुछ हो सकता है। कुछ आखिरी लाइन सर, जो एस्पिरेंट जो अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो कई सालों से कर रहे हैं या जो डीमोरलाइज हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू बी काम, बी मोटिवेटेड, नॉट मोटिवेटेड आई से सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज मोटिवेटेड इज नॉट अ एक्सटर्नल थिंग, वो आपको इंटरनली आना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको ये तीन चीज़ें अपने में रखनी है एंड डेडिकेटेडली एंड रिलीजियसली आप पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। Okay. Thank you to all of you and yes, wish you all the very best for your upcoming examinations. Do well. Thank you.